हेलो गाइस, दिस कार्तिक पांडे फ्रॉम आईटी बीएचयू एंड यू आर वाचिंग दी ऑनलाइन कोचिंग। गाइस, आज अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि मेरा मानना है कि कुछ बच्चों के लिए शायद तक लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। इसीलिए प्लीज, मेरा बस एक रिक्वेस्ट है कि ये 5 से 10 मिनट जो भी वीडियो हो तो इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। हो सकता है कि इस वीडियो की वजह से आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाएं। इज इट क्लियर गाइस? क्योंकि मैं खुद उस चीज को फेस कर चुका हूं, इसीलिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं और कुछ नहीं। इज इट क्लियर गाइस? सो चलिए, मैं पहले बता देता हूं अपने बारे में थोड़ा सा कि अब मेरा नाम कार्तिकेय पांडे है, ठीक है ना। अभी मैं IIT BHU से BTEC कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा थर्ड ईयर है, अभी मैं थर्ड ईयर से मतलब पढ़ रहा हूँ। मैंने 2015 में JEE एडवांस दिया था, ठीक है ना। और JEE एडवांस में जब मैं क्वालिफाई हुआ तो मेरे को मिली IIT BHU। इन रियलिटी में जो पास हुआ था तो मैं पास आउट था JEE 2014 में। मैंने 12th पास किया था। कब पास किया था? 12th 2014 में। फर्स्ट ईयर में मेरा बहुत अच्छा रैंक नहीं आया, जिसकी वजह से मुझे कोई IIT नहीं मिला था। फिर मैंने ड्रॉप लिया सुपर 30 की मदद से। किसकी मदद से? सुपर 30 की मदद से ड्रॉप लिया मैंने, ठीक है ना। और JEE एडवांस का दोबारा एग्जाम दिया और 2015 में मेरा सिलेक्शन हो गया IIT BHU के लिए। इज इट क्लियर? तो आज समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक बात करने वाला हूँ। मैं बताने वाला हूँ कि ड्रॉप ईयर में अपना पर्सनल क्या मतलब मेरा एक्सपीरियंस था और आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जिससे कि ड्रॉप करते वक्त आपको फायदा हो। जैसे कि फाउंडेशन क्लासेस या 2 साल की पढ़ाई करके 11th और 12th कैसे निकालते हैं IIT अच्छी रैंक से, ये मुझे नहीं पता है। ये दूसरे टीचर्स को पता है, मेरे मेरे मतलब न्यू एरा में सौम्य मैम को पता है, चंद्रशेखर सर को पता है, बट ये मुझे नहीं पता। क्यों? क्योंकि मैंने ड्रॉप करने के बाद IIT क्वालिफाई करी अच्छी रैंक से। पहली बार क्वालिफाई करी तो अच्छी रैंक नहीं आई थी, लेकिन हाँ ये मेरे को ज़्यादा अच्छे से पता है उन लोगों से। क्यों? क्योंकि इसे मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। तो आज अपन बात करने वाले हैं ड्रॉप के बारे में। किसके बारे में? ड्रॉप ईयर के बारे में, कि ड्रॉप ईयर में हमारे पास क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या हमें पढ़ाई का अपना मतलब रेगुलरिटी रखनी चाहिए, कैसे अपन को चलना चाहिए पूरे साल के लिए कि अपन अच्छी रैंक स्कोर कर सके। तो कुछ बातें हैं जो कि मैं आपको बोलूँ कि आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात वो ये है कि मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन, अब आप सोच लोगे सर ये क्या बकवास कर रहे हो, मोटिवेशन क्या? तो मैं एक बात बता दूं कि पूरे साल में आपके सामने कई बार ऐसा टाइम आएगा जब आपको एकाएक अपने JEE पिछले पेपर की याद आ जाएगी। आपको याद आएगा कि आपने कैसे कैसे छोटी छोटी गलतियां करी थी जिसकी वजह से आपका लॉस हुआ था और आप डिप्रेशन जोन में चले जाएंगे बार बार, और जिसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस डिक्रीज करेगा। हर महीने होगा ये ऐसे, या हर 2 महीने बाद, मतलब हर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आपके साथ ये होने वाला है। इसीलिए मेरा पहला बेसिक सा सजेशन है ड्रॉप करके एक साल प्रिपरेशन करने के लिए कि आपको अपने पिछले ईयर के बारे में भूल जाना है कि आपका पिछला ईयर कैसा गया था। इज इट क्लियर? ये भूल जाना है कि आपके मार्क्स कितने आए थे, आपने क्या मतलब क्या प्रॉब्लम हुई, खत्म करो यार उसे, इग्नोर करो और आगे बढ़ो। और दूसरी चीज ये उसी मोटिवेशन में कि आपको ये एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखनी है कि मैं AIR फर्स्ट मारने वाला हूं, मैं AIR फर्स्ट मारूंगा, यदि नहीं मारूंगा तो मेरी जिंदगी नहीं है, ये वो ऐसा वैसा। इस तरह में आप वहीं पे दोबारा खड़े हो जाओगे जहां पे आप 10th के बाद खड़े थे, क्योंकि 10th के बाद भी आपके क्या सपने थे कि मैं AIR 10 AIR फर्स्ट AIR 2 मारूंगा, और बाद में एट द एंड ऑफ डे हुआ क्या? सो इसीलिए मेरा सजेशन है कि प्लीज ओवर एक्सपेक्टेशंस भी मत रखिएगा और पिछली चीजों को सोच करके डीमोटिवेट होने की भी जरूरत नहीं है। और यार किसी की मोटिवेशन की वीडियोस वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई करते रहो रेगुलरली, अपने मम्मी पापा के साथ बने रहो, उनसे रेगुलरली बात करते रहो, उनसे रेगुलरली टच में रहो, मोटिवेशन फैक्टर तुम्हारा हाई रहेगा, कभी वो डाउन नहीं होने वाला। बस 2 चीज़ों का ध्यान रखते हुए कि पिछली चीज़ों को भूलना है और आगे आने वाली चीज़ों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है जिससे कि उसका प्रेशर बने और हम डाउन हो जाए। इज इट क्लियर गाइस? सो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग। नाउ टॉकिंग अबाउट सेकंड थिंग, ये पूरे साल में आपको होना चाहिए। देखिए पूरे साल के लिए कोई टाइम ही आपको बता दे टाइम टेबल, तो मैं तो बोलूंगा यार ये तो बेवकूफ़ी है। क्यों? क्योंकि भैया पूरे साल में गर्मी भी आती है, पूरे साल में ठंडी भी आती है, पूरे साल में बरसात भी आता है। भैया ठंडी में जो होता है
मॉर्निंग में बहुत कम पढ़ाई हो पाती है, गर्मी में मॉर्निंग में पढ़ाई होती है, ठीक है ना, बरसात में किसी और टाइम पे पढ़ाई होती है। मतलब आपको एक आइडिया तो लग गया कि पूरे साल भर चलने वाला ऐसा कोई टाइम टेबल नहीं होता। तो आप शॉर्ट टर्म गोल्स बनाइए, छोटे छोटे टाइम के लिए अपना टाइम पीरियड मतलब टाइम टेबल बनाइए और उसे फॉलो करिए। जैसे कि आप बनाइए इस मंथ के लिए कि इस मंथ में मुझे इतने टॉपिक कवर करने हैं और इस टाइम टेबल के साथ चलना है और ऐसे अपनी चीजों को रेगुलेट कराना है और उसको 1 महीना फॉलो करिए। और यदि नहीं कर पाते हैं तो उससे सीख लीजिए और अगले महीने उसे फॉलो करने की कोशिश करिए। बट पूरे साल का टाइम मतलब टाइम टेबल लेके मत चलिए, क्योंकि वो फॉलो नहीं होगा तो वो डिमोटिवेशन की तरफ ही लेके जाएगा। सो इसीलिए शॉर्ट टर्म गोल्स बनाइए और पहले उन्हें कंप्लीट करिए, और धीरे धीरे करके शॉर्ट टर्म गोल्स जब आपकी कंप्लीट होते जाएंगे तो आपका एक लॉन्ग टर्म गोल कंप्लीट होगा, एंड दैट इज IIT JEE। इज इट क्लियर गाइस? सो इसीलिए मेरा सजेशन है कि शॉर्ट टर्म गोल्स बनाइए। जैसे कि मैं कर रहा था अपने टाइम पे, मैं फिजिक्स टारगेट कर लिया, एक केमिस्ट्री टारगेट कर लिया, या मैथ्स टारगेट कर लिया, एक कोई टॉपिक टारगेट किया 1 हफ्ते के लिए कि भैया इस हफ्ते मुझे इसे अच्छे से करना है, चाहे कुछ भी हो जाए फिर इससे क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अब मैं सोच लूँ पूरी केमिस्ट्री टारगेट कर लूँ तो यार बहुत ज़्यादा हैक्टिक लगता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा लिंक बाई लिंक करते चलो तो हो जाता है। इज इट क्लियर गाइज? सो आपको दूसरी चीज मिल गई, दैट इज रेगुलरिटी, ठीक है ना। रेगुलरिटी के साथ साथ शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होने चाहिए, क्या होने चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल्स होने चाहिए। इज इट क्लियर? तो आपको हेल्प मिलेगी। नाउ टॉकिंग अबाउट थर्ड थिंग दैट यू शुड नो, और वो ये है कि प्लीज यार अपनी मिस्टेक्स को मत भूलिए कभी भी। कहने का मतलब, जो फाउंडेशन क्लासेस में बच्चे हैं उन्हें अपने मिस्टेक्स के बारे में कोई आइडिया नहीं होता। वो कोई भी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं तो उन्हें अभी उसका मतलब उसका कोई भी उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि अभी तो वो स्वैग में होते हैं, यार मैं फाउंडेशन का बच्चा हूं, मैं फोड़ दूंगा। लेकिन जब 12th के बाद वो IIT का पेपर देते हैं और खुद फूट जाते हैं, तब उन्हें रियलाइज होता है कि ये मेरी मिस्टेक्स थी। तो ये उनके साथ तो नहीं है, लेकिन ये आपके साथ है। क्यों? क्योंकि आपको अब आपकी मिस्टेक्स पता है। यदि आपने पहली बार में अच्छी रैंक से क्वालिफाई नहीं किया, या मान लीजिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए अपनी मिस्टेक्स को मत भूलिए, उन्हें कम करने की कोशिश करिए, उन्हें डीरूट करने की कोशिश करिए, ट्राई करिए कि आपकी मिस्टेक्स डिक्रीज करें ना कि इंक्रीज करें। इससे आपको होगा क्या कि आप अपने आप ही दूसरों के लेवल पे ज्यादा मैच्योर कहलाएंगे और आपके IIT में आने के चांसेस ज्यादा बन जाएंगे। इसीलिए आप देखते होंगे कि फाउंडेशन से अच्छी रैंक तो जाती है, लेकिन नंबर ऑफ सिलेक्शन जो होते हैं वो ड्रॉपर्स ही ज्यादा देते हैं। उसके पीछे रीजन होता है मैच्योरिटी लेवल। इज इट क्लियर गाइज? सो दिस वॉज द थर्ड पॉइंट। नाउ टॉकिंग अबाउट फोर्थ पॉइंट दैट यू शुड रिमेंबर, प्लीज डोंट बंक द क्लास, डोंट बंक द क्लास। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि हम जब ड्रॉप लेते हैं तो हम होते हैं जानकार पंडित। जानकार पंडित कहने का मतलब, हमें लेट अस सपोज ये टॉपिक बन रहा है, ये टॉपिक नहीं बन रहा, ये टॉपिक बन रहा है, ये टॉपिक नहीं बन रहा, तो जो टॉपिक हमें बन रहा होता है हम उसी क्लासेस नहीं करते। हम बोलते हैं क्या जाके फायदा हमें वहां फायदा होगा, इससे अच्छा है रूम में बैठ के सॉल्व कर लेते हैं। बेटा यदि तेरे से इतनी चीजें बन रही थी ना, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि तू पिछली बार सेलेक्ट हो गया होता अच्छे से। सो इसीलिए मेरा सजेशन है कि अपने टीचर्स को इग्नोर मत करिए, क्लासेस करिए रेगुलरली। कभी भी ड्रॉपर बच्चे को मैं सजेशन देना चाहूंगा, क्लासेस बंक मत करिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो कॉन्सेप्ट आपसे बन भी रहा हो उसमें भी थोड़े बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस हो, जिसकी वजह से आपको क्वेश्चन गलत हो जाते हो। इसीलिए वो चीज तभी दूर होगी जब आप क्लासेस रेगुलरली करेंगे। और इसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा है, क्योंकि जब मैं अपने Super 30 में कर रहा था उस टाइम पे मेरी फिजिक्स जैसे अच्छी है तो मैं अपने फिजिक्स टीचर को अंडरस्टिमेट करता था, और आज उन्हीं फिजिक्स टीचर की वजह से मैं लाइफ जी रहा हूँ। तो यार मेरा मानना है कि यदि मैं अंडरस्टिमेट नहीं किया होता तो मैं और अच्छी जगह पे होता। सो इसीलिए मेरा सजेशन है कि प्लीज कभी भी अपने टीचर्स के दिए हुए कॉन्सेप्ट को कभी भी अंडरस्टिमेट मत करिएगा। सो नेवर ट्राई टू बंक द क्लास। इफ यदि आपसे टॉपिक बन रहा है तो आप जाइए वहां पे टीचर से क्वेश्चन पूछिए, उस पर बैठ के वहीं पे क्वेश्चन सॉल्व करिए, बट क्लासेस मत बंक करिएगा पूरे साल। प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट दैट यू शुड रिमेंबर एज अ फोर्थ पॉइंट। नाउ टॉकिंग अबाउट पॉइंट नंबर 5, और वो ये पॉइंट है कि आपको रैंक के लिए काम करना है। किसके लिए काम करना है? रैंक के लिए, वर्क फॉर रैंक। वर्क फॉर रैंक कहने का मतलब, अब आपको सिलेक्शन से मतलब नहीं है। जैसे फाउंडेशन वाले बच्चों के सामने तो एक ऑप्शन होता है कि चलो अच्छी रैंक नहीं आएगी तो दोबारा कर लेंगे, आपके सामने ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको सिलेक्शन भी पाना है और साथ में आपको अच्छी रैंक भी लानी है। इसका मतलब ये आप पहले से अपने माइंड से मिसकंसेप्शन निकाल दीजिए कि यदि आपकी खराब रैंक आएगी तो आपको कॉलेज मिलेगा।
नो नॉट एट ऑल, कभी नहीं मिलेगा। सो इसीलिए आपको रैंक के लिए काम करना है। आपकी यदि कैपेबिलिटी है 3,000 की, तो 3,000 के लिए काम करिए, लेकिन उसके लिए अच्छे से काम करिए। ये मत सोचिए कि मैं 7,000 भी रैंक आएगी तो मेरा चल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, और ऑलरेडी आपके पास बहुत सारा प्रेशर होगा जो कि ना चाहते हुए आ जाता है, फैमिली का, फिर मनी प्रॉब्लम्स बहुत सारी जो कि मैंने खुद फेस करी थी। तो इसीलिए मेरा सजेशन है कि प्लीज रैंक के लिए काम करिएगा, मजाक में मत रहिएगा, टाइम वेस्ट मत करिएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 6, दैट इज टारगेट योर वीक सब्जेक्ट। अब 1 साल का टाइम है, ये बात याद रखिएगा कि आपने पिछले साल कई जगहों पे देखा होगा कि हो सकता है आपको मैथ्स ने गच्चा दिया हो, या हो सकता है आपको फिजिक्स ने प्रॉब्लम दिया हो, या हो सकता है केमिस्ट्री ने प्रॉब्लम दिया हो। तो यार यही चीजें दोबारा आपके सामने क्रिएट ना हो। सो इसीलिए प्लीज ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि पूरे 1 साल में अपने वीक सब्जेक्ट को टारगेट करिएगा ज्यादा तरीके से, जिससे कि वीक सब्जेक्ट भी आपका मजबूत हो जाए। और मजबूत सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, उसे पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और सबसे बड़ी बात ये, फाउंडेशन वाले बच्चे आईपीएल भी देखते हैं भैया, वो क्रिकेट भी देखते हैं, और वो दुनिया भर का काम भी करते हैं, मॉल भी घूमते हैं, गर्लफ्रेंड भी बनाते हैं, बॉयफ्रेंड भी बनाते हैं, और दुनिया भर के बकवास चीजों में इन्वॉल्व भी होते हैं। बट ये आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको 2 साल का जो सिलेबस है वो 1 साल में ही कवर करना है। डबल क्लासेस आपको एक साथ पढ़ना है, और हर दिन आपको वो सारी चीजें एक साथ कवर करना है। सो इसीलिए मेरा सजेशन है कि प्लीज बिना टाइम वेस्ट किए हुए, बिना चीजों के बारे में, गलत चीजों के बारे में सोचे हुए, प्लीज रेगुलरली एक टाइम टेबल पे काम करिए, टाइम वेस्ट मत करिएगा, अपने वीक सब्जेक्ट्स को स्ट्रांग करने की कोशिश करिएगा, और प्लीज प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करते रहिएगा रेगुलरली, और टेस्ट पेपर देते रहिए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, शुरुआत से ही देते रहिए। क्यों? क्योंकि फाउंडेशन वाला बच्चा यदि शुरुआत में ही मेजर टेस्ट देगा तो उसे कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 90% टॉपिक तो उससे बन ही नहीं रहे होंगे। लेकिन जो ड्रॉप वाला बच्चा होगा, यदि वो शुरुआत में भी पूरा पेपर देगा, पूरा मेजर टेस्ट देगा पूरे सिलेबस का, तब भी उसे आइडिया तो होगा ना कि इस क्वेश्चन में क्या लगाना था, इस क्वेश्चन में कैसे करना था। तो एक आपके अंदर ना दिनचर्या बनती जाएगी पेपर देने की। इज इट क्लियर गाइस? सो इसीलिए मेरा सजेशन है ड्रॉप करने वाले बच्चों को कि आप शुरुआत से ही रेगुलरली प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करते जाइए। और ये कतई कभी भी मत मानिएगा कि आप हारने वाले हैं या आपको कोई लॉस होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप तो और मैच्योर हो रहे हैं धीरे धीरे। तो इसीलिए ड्रॉप वाले बच्चों मैं एक बात बोलूंगा कि एकदम लग जाओ, और जिसे कहते हैं फोड़ दो IIT JEE। इज इट क्लियर गाइस? सो बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट ईयर। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि पूरे साल मैं आपको मदद करने वाला हूँ बाई फिजिक्स वीडियोस, केमिस्ट्री वीडियोस, मैथ वीडियोस। दूसरे ट्यूटर्स भी आपको पढ़ाएंगे, और साथ में ऐसे ही आपको ढेर सारे एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहेंगे। रेगुलरली आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा, मतलब पूरे साल एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको वो मिलता रहेगा। इज इट क्लियर गाइज? तो आपको यहाँ पर ढेर सारा फायदा होने वाला है। सो जल्दी से यार बेल दबाओ, और नोटिफिकेशन बेल भी दबाना भूलना मत। इज इट क्लियर? बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।